हाल है चंता? सब कुछ बढ़िया। तो जो भी हो, मेरे को पता है मैं 3 दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, मतलब मूड ऑफ था थोड़ा सा, दैट्स व्हाई मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया अपने गेम पे। तो दोबारा हम ऐसा वीडियो डाल रहा है जिसमें मैंने रैंडम के साथ गेम प्ले किया है, लेकिन पहले वाला गेम प्ले मैंने रैंडम के साथ डाला था जिसमें रैंडम की वजह से मैं मर गया था। अब देखो ये वाला गेम प्ले पे क्या चिकन आता है या हम मरते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए पोचिंग की पर, जहाँ पे सिर्फ एक स्क्वाड आया था। सचमुच पे भाई, इधर से जो फाइट निकल के आता है ना, उससे पहले आप एक लाइक ठोक दो कि तुम्हारा भाई कैसे पूरा पोचिंग को खाली करता है। तो सबसे पहले मेरे को मिल गया था क्या, PP19 एंड शॉट गन। उसके बाद अब थॉमसन भी मेरे को मिल चुका था। अब देखो भाई, सबसे बड़ी बात, मेरे को DP भी मिल गया था, और DP एंड 6x मेरे को पहले ही मिला था। एंड मैंने आज तक मेरे लाइफ पे DP विथ 6x कभी भी नहीं यूज़ किया। आप लोगों को पता है मैं M4 एंड 6x का स्प्रे लाइक करता हूँ, लेकिन DP के साथ मैंने कभी नहीं चला। लेकिन इस मैच के बाद ना मेरे को मॉर्टल वाला फील आ रहा था। सब लोग को पता है कि मॉर्टल मतलब DP उसका फेवरेट गन है। अब देखो ये वाला बंदा मेरे को दिखा, ईजी मार दिया यार, लूटने के चक्कर में आ रहा था बेचारा। उसके बाद मतलब मेरे सामने और भी 2-3 बंदे हैं, लेकिन कहाँ पे एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है। तो मैं जब इस घर के ऊपर आया, तो देखो एकदम सामने जो ब्रोकन वॉल है ना मेरे, उधर एक बंदा था। और मेरे साइड के इस घर पे देखो हेड दिख रहा है मेरे को, लेकिन मैं मार नहीं पा रहा क्योंकि मेरा इधर से पोजिशन नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई मैं इस घर के इधर आ गया। एंड उसके बाद बंदा नॉक। आप लोगों को पता ही है मॉर्टल कितना अच्छा DP चलाता है, मतलब DP बस उसको दे दो, वो स्क्वाड वाइप कर लेगा। तो मॉर्टल के साथ मैं अपना कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मॉर्टल मतलब गॉड लेवल प्लेयर है मतलब। एंड उसका 6-7 मिलियन का सब्सक्राइबर्स है, एंड मेरा तो देखो सिर्फ 60 सब्सक्राइबर है। तो जो भी हो भाई, क्या कर रहे हो यार घर पे बैठे बैठे? लाइक करो चैनल को, मतलब चैनल को कैसे लाइक करोगे, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड लाइक करना वीडियो को, एंड ऑब्वियसली शेयर कर देना। अब देखो ये वाला बंदा बेचारा आया नंबर 2 को ठोकने के लिए, एंड उसको क्या पता था कि मैं बैकअप देने के लिए खड़ा हूँ इधर। एंड उसके बाद मेरे घर में उसका जो 4th बंदा फ्लैंक करके पुश करता है, मेरे घर पे नहीं है एक्चुअली, मेरे साइड के घर में। एंड बेचारा उधर से नीचे आ जाता है, एंड उसके बाद उजी लेके मेरे ऊपर पुश करता है। एंड आप लोगों को पता ही है कि अगर उजी का गोली वेस्ट हो गया तो क्या होता है बंदे के साथ। एंड बंदे के साथ वैसा ही हुआ, मतलब फ्री फायर मार के अपना गोली वेस्ट कर दिया एंड खुद मर के नरक पे चला गया। अब देखो इधर से हमने पोचिंकी को क्लियर किया, एंड पोचिंकी को क्लियर करने के बाद हम जब निकले इधर से, हमको किसी भी जगह पे बंदा नहीं मिला। हम मतलब मैप पे 2-3 चक्कर मार चुके थे। उसके बाद हम ब्रिज की साइड आए जहाँ पे जोन बना हुआ था, एंड उसके बाद उधर भी हमको बंदे नहीं मिल रहा था। तभी भी 15 बंदे अलाइव थे, लेकिन हमको बंदा दिख नहीं रहा था कहाँ पे छुपा हुआ था। एंड ऑब्वियसली अब रैंक पुशिंग चल रहा है तो बंदा थोड़ी मिलेगा हमको ऐसे। तो जो भी हो, जब हम इधर से जा रहे थे तो लेफ्ट साइड पे आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे कि एक गाड़ी खड़ा है। तो मैंने सोचा कि शायद उस तरफ बंदा है, क्योंकि उधर एक ड्रॉप था, हम उधर से ड्रॉप को लूट भी चुके थे, लेकिन बंदा हमको नहीं मिला। ड्रॉप पे भी नहीं मिला हमको बंदा, हम 2-3 ड्रॉप लूट चुके थे। मैंने वीडियो कट कर दिया क्योंकि बंदा नहीं मिला। एंड मेरा 4 किल था, 5वां किल कहाँ से आया? आप लोग क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैंने एक बॉट को मारा था, एंड बॉट का किल मैं नहीं दिखाता हूँ, आप लोगों को पता ही है, ज़्यादातर टाइम पे नहीं दिखाता हूँ मैं। तो जो भी हो, अब एक्चुअली में इधर कोई बंदा था ही नहीं, ओके, सिर्फ ये वाला गाड़ी खड़ा था, लेकिन बंदा कहाँ पे था हमको घंटा नहीं पता था। जो भी हो, मैंने इन लोगों से कहा, मतलब मैंने सिग्नल मारा कि आ जाओ भाई गाड़ी में बैठो, निकलते हैं हम इधर से, क्योंकि बंदे को ढूंढना है, क्योंकि तुम्हारा भाई को KDB मेंटेन करना है, ओके। तो नंबर 3 को देख रहा हो कैसे लेटा हुआ है ये बंदा स्नेक बन के, मतलब सब लेट गया है भाई इधर आके, सबको सांप बनना है, इन रैंडम को सांप बनना है। अब देखो अभी तक जो गेम प्ले आया है, रैंडम ने मेरे को धोखा ही नहीं दिया, मतलब एक साथ ही रह चुके हैं हम पहले पोचिंग की पे। एक बंदा मेरे को बैकअप देने के लिए भी आया था, एंड मैंने भी उसको बैकअप दिया, 2 बंदा पीछे था। तो जो भी हो, आप देखो एक साथ गाड़ी में जा रहा है, अच्छा वाला सीनरी है, अच्छा वाला रैंडम ऐसा होना चाहिए कुछ रैंडम की, एक साथ रहेंगे, एक साथ खेलेंगे, मतलब सपोर्ट देंगे। अब देखो हम जब इधर से जा रहे थे, इधर कोई भी बंदा नहीं था, अब मेरे को फाइनली बंदा दिखा। एंड मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं गाड़ी ऐसी गलत जगह पे रोक दिया ना, मैं क्या बोलूँ, आप लोग खुद ही देख लो मैंने कहाँ पे गाड़ी रोका। उसके बाद गाड़ी का तो गांड मार दी इन लोगों ने, तो मैंने इसको मतलब लगभग डाउन ही कर दिया था, इसका 1 HP आधा HP बचा हुआ था शायद। तो जो भी हो, मेरे को पता था कि इस जगह पे हम नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे को पीछे जाना है। अब देखो गाड़ी का हाल देख सकते हो आप लोग, तो मैं पीछे की जाने की सोचा, क्योंकि मेरा स्प्रे अच्छा है, मैं इन लोगों को बैकअप दे सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली मैंने बहुत अच्छा बैकअप दिया इधर। देखो
अब देखो एक बंदा नॉक हो गया, मेरे को पता था कि उधर से एक बंदा नॉक होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि भाई गलत जगह पे मैंने गाड़ी रोक दी, ठीक है। अब वैसे मेरा गलती था उधर, दैट्स मेरे को बचाना है इन लोगों को। तो जो भी ये बंदा साइड से पुश कर रहा था, लेकिन मैंने इसको नॉक डाल दिया, क्योंकि अगर ये बंदा पुश इन कर देता ना फुल्ली तो हम लोगों को ईजी मार सकता था। तो जो भी हो, इधर और एक बंदा आता है, लेकिन ये वाला किल चोरी हो जाता है। तो जो भी हो, ऐसा होता है रैंडम के साथ, ऐसा होता है। लेकिन बहुत बढ़िया बंदा है ये लोग, मेरे को गाली तक भी नहीं दिया, मैंने ऐसे गलत जगह पे गाड़ी रोका इसके लिए। तो जो भी हो, मैंने एक का किल सिक्योर कर लिया। अब देखो उन लोगों ने एक बंदे को डाउन किया, इधर दो बंदा टोटल आया था मेरे राइट साइड पे, हमने दो बंदे को क्लियर कर दिया। अब सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ था जो फ्लैंक कर रहा था लेफ्ट साइड से। अब देखो लेफ्ट वाला को मैंने डैमेज देने की कोशिश किया, लेकिन वो बंदे ने पूरा क्लियर कर दिया, मतलब इधर का पूरा सिनेरियो ही कम्प्लीट हो चुका था। तो फिर हम गाड़ी लेके इधर से निकल गए। अब देखो एक ही स्क्वाड बचा हुआ है, मतलब हम चार बंदे, शायद वो लोग दो तीन चार होंगे, या फिर एक सोलो हो सकता है ऐसा। तो हम पुश इन करने का सोचा, क्योंकि हमको बंदा ढूंढना था। अब देखो इतना छोटा जोन है, लेकिन बंदा हमको मिल नहीं रहा था। अब फाइनली हमको पता था कि अब जो सिनेरियो है कम्प्लीटली 4v3 होने वाला है, क्योंकि दो बंदा टपक चुका था। अब देखो लास्ट वाला बंदा कहाँ पे था, मतलब लास्ट वाला जो स्क्वाड का मेंबर्स कहाँ पे था, हम लोग घंटा पता नहीं। अब गाड़ी का हाल देख सकते हो, एक नंबर तो डर के मारे निकल ही गया गाड़ी से। चलता है रैंडम के साथ, चलता है ऐसा कुछ, लेकिन बहुत अच्छा बढ़िया बंदा था ये लोग, मेरे पहले वाले बंदे से बहुत अच्छा। और मेरा पहले वाला जो वीडियो पे आया था, जो रैंडम्स जो मैंने रैंडम के साथ खेला था, वो लोग कैसा था मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, देख लेना आप लोग। अब देखो इधर भी मैं गलती करता हूँ, ठीक है, गाड़ी गलत जगह पे लेके जाता हूँ। अब गाड़ी का हाल देख सकते, अब गाड़ी से हमको उतरना ही पड़ा, नहीं तो ब्लास्ट होके मर सकते थे। तो जो भी, अब बंदा कहाँ पे है हम लोगों को सिर्फ अंदाज़ा है कि सामने या फिर साइड पे, लेकिन एक्चुअल जो लोकेशन है हमको पता नहीं, ठीक है। अब देखो मैं कवर में आना चाहता था, इसलिए मैं अपना गाड़ी जो है वो फुल्ली डैमेज था, मैं उसको ब्लास्ट कर दिया जिससे मैं कवर में आ सकता हूँ। तभी नंबर दो जो साइड पे था उसको नॉक करके फिनिश भी कर दिया। मेरे को पता चल गया था कि उस साइड बंदा है, एंड तुम्हारा भाई फिर ऊपर जाने की सोचा था कि ऊपर जाके शायद लोकेशन ट्रैक करके उन लोगों को मार दूँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता मेरे साथ। और नंबर दो को जो मारा था वो साइड से पुश इन कर दिया था, एंड मैंने उसको इजी डाल दिया। अब देखो क्या होता है मेरे साथ, सिर्फ देखना भाई लोग। बूम, एंड मैं इधर से बच गया, बस बच गया यार, नहीं तो मैं अगर इधर नॉक हो जाता तो मेरा टीम डेफिनेटली दिक्कत में आता, क्योंकि सब बंदे हम जो थे ना नीचे थे, एंड दो लोग ऊपर वाला पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ था, एंड इजी स्प्रे दे के हम लोगों को मार सकता था, एंड चिकन डिनर भी अपना हाथों पे ले सकता था। एंड मैं सबसे पहले अपना सामने स्मोक करके कवर बनाता हूँ, एंड उसके बाद ये वाला हिट देखो, बस उसके हेड पे जाके गोली लगा, एंड बंदा फिनिश पूरा ही। एंड ऐसे ही हमको चिकन डिनर मिल गया विथ रैंडम्स, जो बढ़िया प्लेयर था, एंड शायद दो नंबर मेरे वजह से ही टपका, मेरे को पता है मैंने बहुत गंदा वाला गाड़ी चलाया इस गेम पे। तो जो भी हो भाई, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, लाइक करो चैनल को, एंड शेयर करना। मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, अब से रोज़ आएगा, कॉन्फिडेंट रहेगा तुम्हारा भाई, कभी नहीं वीक होगा, एंड बूम बाम बोलते पब्लिक। तो गुड बाय।